और मेरे चटोरों, कैसे हैं आप? ब्रेड की रेसिपीज तो हम सभी घर पर बनाते हैं, चाहे हो वो ब्रेड की सैंडविच जिसमें हमें उसके कोने काटने पड़ते हैं, या फिर हो कुछ कोफ्ते। वो कोनों को फेंकने का मन नहीं करता है ना। आज बनाते हैं उसी कोनों से ब्रेड क्रम्स, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी रेसिपी में। तो बनाना शुरू करें। यहाँ पर है मेरे पास कुछ ब्रेड के कोने जो मैं एक मिक्सर में डाल रहा हूँ। इससे अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे, पाउडर नहीं करना है, दरदरा यानी कोर्स रखना है। अगर आपके पास कोई चॉपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इसे एक कढ़ाई पर डालूंगा अब मैं, और एकदम लो फ्लेम में धीरे धीरे इसे चलाएंगे, ताकि इसमें से जो एक्सेस मॉइस्चर होता है वो चला जाए। उससे क्या होता है ना कि जो ब्रेड क्रम्स है उसमें जब आप कुछ फ्राई करेंगे तो कम ऑयल अब्जॉर्ब करेगा, और साथ में फ्रेश भी रहेगा ब्रेड क्रम्स बहुत दिनों तक। तो इसे लो फ्लेम में, जब तक ये क्रिस्पी और लाइट ना हो जाए, तब तक रोस्ट करेंगे। इसे यूजुअली अवन में बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको ये अभी कढ़ाई में बनाकर दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ईजी तरीका है कढ़ाई में बनाना, सेम रिजल्ट्स मिलेंगे आपको कढ़ाई में भी। और मेरा ब्रेड क्रम्स मुझे लग रहा है तैयार हो गया, बिल्कुल हो गया है, लाइट एंड क्रिस्पी है। और बस मैंने फ्लेम बंद कर दी है। अब इसे ठंडा होने के बाद मैं इसे एक जिप लॉक बैग में डालकर रख लूँगा। मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप अभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं, इमीडिएटली यूज़ करने के लिए तैयार है। लेकिन आप इसे जिप लॉक बैग में डालकर 30 दिनों तक फ्रीज़र में रख सकते हैं अगर आप चाहे तो रोस्ट करने के बाद इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है, और साथ में ये कम ऑयल भी एब्जॉर्ब करता है। तो आप इस तरीके से बनाइए और बस यूज़ कीजिए। लो देखिए, बात करते ही करते हमारा ब्रेड क्रम्स भी तैयार हो गया। आप इसे बनाए चाहे कढ़ाई पर या फिर अवन पर, बिल्कुल सेम बनेगा। और आप इसे यूज़ कर सकते हैं कोई भी टिक्की, कटलेट या फिर कोई भी पकोड़े की रेसिपी में। बिल्कुल सेम क्रिस्पीनेस देगा आपको ये वो उस रेसिपी में। तो ट्राई कीजिए अपनी किचन पर, और मेरे साथ शेयर कीजिए कि कैसा बना। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग शुकिंग हिंदी को। अब सब्सक्राइब कर रहे हो तो बगल में घंटा भी दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय।